बिहार लाइव सेवन खबर की तह तक। गया शहर के काशीनाथ मोड़ के समीप स्थित इंदिरा IVF सेंटर में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें निसंतानता पर जानकारी दी गई। बिहार हेड डॉक्टर दयानिधि ने कहा कि निसंतानता का दर्द होता क्या है, ये उनसे पूछिए जो इस दौर से गुजर रहा होता है या गुजर चुका है। गया इंदिरा IVF सेंटर में क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लाभान्वित और उपचाररत दंपतियों का सम्मान करते हुए उन्हें पौधे भेंट किए गए और खुशियां बांटी गई। ग्रुप द्वारा 90,000 सफल IVF प्रक्रियाएं पूरी होने पर निशुल्क निसंतानता परामर्श शिविर 31 दिसंबर तक सेंटर में चलाया जा रहा है, जिसमें दंपत्ति परामर्श ले सकते हैं। IVF स्पेशलिस्ट और सेंटर हेड डॉक्टर वर्षा श्रीवास्तव ने बताया कि दंपतियों में निसंतानता और इसके उपचार के बारे में जागरूकता का अभाव है। दंपत्ति को गर्भधारण नहीं होने पर इंतजार में समय गंवाने के बजाय उपचार की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। महिला और पुरुषों की निसंतानता संबंधी समस्याओं का IVF जैसी आधुनिक तकनीकों से उपचार किया जा सकता है। हमारा लक्ष्य देश के दूर दराज के क्षेत्रों में भी रियायती दरों में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, ताकि कोई भी दंपत्ति उपचार के अभाव में संतान सुख से वंचित नहीं रहे। आमतौर पर दंपत्ति IVF को अंतिम विकल्प मानते हैं, लेकिन यह आखिरी नहीं श्रेष्ठ विकल्प बनकर सामने आया है। सबसे पहले आपका इंदिरा IVF गया में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि इंदिरा IVF की संतानता के क्षेत्र में पूरे देश में सबसे बड़ा IVF चेन है। और हमारी जो शुरुआत हुई है इंदिरा IVF की, वो 2011 में हुई थी राजस्थान के उदयपुर में, और उस समय से लेकर के अभी तक हमारे 104 सेंटर हो चुके हैं पैन इंडिया। गया का जो सेंटर है हमारा 101वां सेंटर था, तो हमेशा 101वां सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोगों ने एक महीने पहले शुरुआत किया था। लेकिन उसके बाद छठ पूजा आ गया, उसके बाद से हम लोग ब्रीफिंग मतलब उसके बाद से हम एक जो ऑफिशियली है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और इंदिरा IVF से अभी तक पूरे देश में 90,000 से अधिक निसंतान लोग लाभान्वित हो चुके हैं। और हमारा एक ही मिशन है कि हम लोग जो भी निसंतानता से ग्रसित लोग जो कि गांव में कस्बों में बस गए हैं और जिनको उनके उपचार के बारे में पता नहीं है, उनको एक तरह से एजुकेट करना और उसके बाद उनका इलाज करना, और जो भी निसंतान दंपत्ति हैं उनके सपनों को पूर्ण करना, उनको खुशी देना, ये हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ हमारे चेयरमैन डॉक्टर अजय मूडिया सर और जो हमारे CEO और को फाउंडर हैं डॉक्टर क्षितिज मूडिया सर, उनका एक सपना है कि बिहार हो या पूरा देश हो, उसके हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक निसंतानता का जो उपचार है इंदिरा IVF के माध्यम से शुरुआत किया जाए, और जो भी इस रोग से ग्रसित हैं उसको हम लोग संतान की प्राप्ति करवाएं। हमने एक और नारा दिया हुआ है कि निसंतानता भारत छोड़ो, और उसी के उद्देश्य से हम लोग काम करते आ रहे हैं। और हमारा एक और टारगेट है कि अभी हमारे बिहार में 7 सेंटर्स हैं, और उसके साथ साथ हम इसके संख्या और बढ़ाएँ, और आने वाले समय में क्योंकि डेहरी हो गया, सासाराम हो गया, सिवान और दरभंगा, ये सारे क्षेत्र में भी हमारा एक निसंतानता का केंद्र स्थापित हो और उस क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित हो। जहाँ तक गया की बात है, गया में ऑलरेडी हम लोग लगभग 1,000 से अधिक दंपतियों को सफलता दे चुके हैं 5 सालों 6 साल में, क्योंकि इंदिरा IVF पटना की शुरुआत सबसे पहले 2015 में हुई थी। उसके बाद से हम लोगों ने उस पटना सेंटर के माध्यम से 10,000 से अधिक लोगों को संतान प्राप्ति करवाया है, और गया हमारा 101वां सेंटर और बिहार के लिए 7वां सेंटर है। हमारे साथ इस सेंटर की सेंटर है डॉक्टर वर्षा श्रीवास्तव जी हैं। शुरुआती दौर में नॉर्मल तरीके से ट्राई करना या फिर छोटा इलाज जिसे हम IVF कहते हैं वो करना,
हम नेचुरली ट्राई करें तो ये साइंटिफिकली भी गलत है, बिकॉज उस उम्र तक अंडाणुओं की क्वालिटी भी कम होती है, नंबर भी कम होती है, पश्चिदानी में भी फर्क आने लग जाती है। तो मेरा इस प्रेस रिलीज के द्वारा एक ये मैसेज है पेशेंट्स के लिए कि सबसे पहले आप ये जानें कि आपके प्रेगनेंसी ना होने का कारण क्या है। हमने सेंटर के सारे पेशेंट्स का बेसिक इन्वेस्टिगेशन पैनल कर रहे हैं, जिसमें महिला का अल्ट्रासाउंड करते हैं और ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में वो सारी जाँचें होती हैं कि किसी भी प्रेगनेंसी ना होने का कारण हो सकता है, जैसे हीमोग्लोबिन की कमी होना, थायराइड की प्रॉब्लम होना, या AMH जिसे हम बोलते हैं जो अंडाणु के नंबर और क्वालिटी बताता है, इसका कम होना, या प्रोडक्टिव हार्मोन जो कि अंडाणु के फटने को रोकता है। इन सब चीज़ों के द्वारा जो प्रेगनेंसी ना होने का कारण है वो ब्लड में हम कई लेवल तक पता कर सकते हैं। उसी तरीके से अल्ट्रासाउंड में हम लोग देख सकते हैं कि महिला के गर्भाशय में जानी भी जाए उसकी नदी भी परेशानी के लिए जिसके चलते बच्चा नहीं ठहर पा रहा है। इसी तरीके से पुरुष में भी हम प्राणियों की जांच करते हैं, उनका नंबर, उनकी गति और उनकी बनावट, ये तीनों फैक्टर देख के हम डिसाइड करते हैं कि सही निसंतानता का कारण पुरुष में नहीं है। तो ये हमारा पहला स्टेप होता है जिसमें हमने ये जाना कि किस कारण से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। अब जो हमारा इलाज का माध्यम होता है उसमें हमें तीन चीज़ें देखनी है। पहला कि हस्बैंड वाइफ को शादी को कितना समय हुआ है, दूसरा उनका कारण क्या है, और तीसरा कि वो हम पे कितना ट्रस्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। कई ऐसे पेशेंट हैं जिनको अगर मैं पहली बार